दोस्तों आज हमारे सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को पसंद है और सभी के दिलों पे राज करती है। अपने सामने है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप मॉडल S11 और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट कार का डिटेल वॉकराउंड रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जहां पे हम बताएंगे इस कार के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशन हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, मतलब कि A to Z सारी डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके का लुक आपको सामने से मिल जाता है और इसके बोनट के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको वॉशर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। ट्विन मैनुअल वाइपर्स दिए गए हैं और बोनट के ऊपर ही आपको यहाँ पे बोनट स्कोप जो है वो दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इस कार को एक अलग लुक जो है वो ऑफर कर देता है। ग्रिल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके की डिजाइन के साथ आती है और अपना मैट ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है, जिसपे आपको क्रोम के जो इंसर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। 6 स्लैट जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हेडलाइट आपको पुरानी वाली ही देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे आप देखो ऊपर की तरफ आईब्रो आपको मिल जाते हैं DRLs और नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं इसके लो बीम के साथ, जिसमें आपको हेलोजन बल्ब ऑफर किया गया है। हाई बीम के अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो दी जाती है। साथ ही नीचे आप देखेंगे तो DRL और अपना फॉग लाइट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रंट बम्पर वाला पार्ट है, ये आपको बॉडी कलर का ही दिया गया है, जिसमें आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो भी मिल जाती है। कुछ इस तरीके से कंप्लीट पोर्शन आप चेक कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपने फ्रंट प्रोफाइल की। एक बार मैं आपको ले चलता हूँ साइड प्रोफाइल में और यहाँ पे दिखाता हूँ क्या कुछ आपको मिल जाता है। तो कंप्लीट इस कार का जो साइड व्यू है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस वाले मॉडल के अंदर आपको एलॉय व्हील्स जो है वो ऑफर करी गए हैं, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, डुअल टोन के फिनिश के साथ हैं। और इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो आप यहाँ पर देखें तो 235/65 R17 का है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं और रियर में भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स है वो ऑफर करी गई हैं। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फुट स्टेप भी प्रोवाइड किया गया है और इसी के अलावा यहाँ पे आपको जो स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग के साथ जो साइड की बीडिंग है वो देखने को मिलने वाली है कुछ इस तरीके से। बॉडी कलर के आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और बॉडी कलर का ही आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी दिया गया है। टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है, टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिल जाता है। यहाँ पे आप कंप्लीट जो है इस असेंबली को भी चेकआउट कर सकते हैं। कार का ए पिलर बॉडी कलर है, बी पिलर और सी पिलर आपको ब्लैक्ड आउट देखने को मिल जाता है और थर्ड पिलर पे भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंसर्ट देखने को मिलने वाला है। और रूफ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो रूफ रेल्स है वो भी प्रोवाइड करी गई है, कुछ इस तरीके की आपको जो रूफ रेल्स है वो भी मिल जाती है। आ जाते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो रियर व्यू है वो चेक कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपको जो स्पॉइलर है वो मिल जाता है और इसके अंदर आपको जो वॉशर की प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। रियर विंडस्क्रीन में रियर डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे अपना जो रियर का अपना हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो दिया गया है। वाइपर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है और रियर के जो टेल लैंप्स हैं वो काफी बड़े डिजाइन के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक है। और यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की जो मार्किंग है वो भी देखने को मिल जाती है। स्कॉर्पियो की बैजिंग है, क्लासिक है और S11 सारी मार्किंग आपको यहाँ पर जो बैजिंग है वो दी गई है। और टेल गेट के ऊपर आप यहाँ पे देखो तो आपको पियानो ब्लैक का जो इंसर्ट है वो मिल जाता है, जिसमें आपको महिंद्रा का लोगो भी दिया गया है। हैंडल आपको बॉडी कलर का ही मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आपको रिफ्लेक्टर की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है, दो रिफ्लेक्टर आते हैं और दो ही आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। टो करने के लिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर का आपको जो फुट स्टेप है वो ब्लैक कलर के साथ प्रोवाइड किया गया है। और इसी तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपको माइक्रो हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो भी मिल जाती है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो स्टेपनी टायर है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसको ओपन करने के लिए आपको अंदर जो है वो स्पेस मिल जाता है। अगर गेट खोलते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ आपको मिल जाता है, तो स्पीकर की जो प्लेसमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इसको आप जो है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का है। और रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है। थर्ड रो वाली सीट है ये भी अपने जो फ्लैट है वो हो जाती है, यहाँ से आप जो है इसको कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से जो है ये अपनी सीट यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी। इसको भी आप यहाँ पे अगर आपने स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बारी है इस कार के इंटीरियर को चेक करवाने की और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का इंटीरियर जो है वो आपको S11 वेरिएंट जो है वो ऑफर कर देता है। आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे एक पियानो ब्लैक का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो तो इनसाइड डोर हैंडल आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से ब्लैक फिनिश के साथ में। चारों पावर विंडोज जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। नीचे अपना जो है यूटिलिटी स्पेस दिया गया है और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको डोर पैनल्स के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने AC वेंट के सराउंड में आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। मिरर के लिए आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का फीचर जो है वो दिया गया है, यहाँ से आप इसको लेफ्ट और राइट में एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है अपना फ्यूल लिड ओपन करने के लिए और अपना डिफॉगर का जो बटन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पर तीनों पैडल्स दिए गए हैं, कोने में एक डेड पैडल भी आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके का कंप्लीट जो फ्लोर है इसका रहने वाला है।
चलिए तो अब बात कर लेते हैं इंटीरियर से, और यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट इस कार का जो इंटीरियर है वो आपको डुअल टोन के फिनिश के अंदर देखने को मिल जाता है, जहां पर ब्लैक और बेज कलर का सारा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट कर लेते हैं, तो अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो कंप्लीट आपको लेदरेट फिनिश के साथ दिया गया है, कुछ इस तरीके से राउंड शेप के साथ स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। सिर्फ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रूज के बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। यहाँ से इसके हेडलाइट और यहाँ से आप इसके वाइपर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों ही एनालॉग है, और बीच में आपको एक MID स्क्रीन मिल जाती है जो कि काफी छोटी सी नजर आने वाली है, जिसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स देख सकते हो, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन, ऑडो वगैरह है, फ्यूल कितना है, इस तरीके की आपको यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे दो जो है वो स्विच भी प्रोवाइड किए गए हैं, इसको आप प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और दूसरे वाले को अगर आप यूज करते हैं तो सेट के तरीके से आप इसका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऊपर देखोगे कंप्लीट जो आपको पोर्शन है वो ब्लैक कलर इंसर्ट के साथ ही देखने को मिलने वाला है। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, क्रोम इंसर्ट के साथ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, और टच स्क्रीन सिस्टम जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जनरल आपको ऑक्स अपना बीटी है, रेडियो वगैरह की सारी कनेक्टिविटीज जो है वो मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो अपना ऑटोमेटिक टाइप जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, जैसे आप देखें तो यूएसबी ऑक्स पोर्ट है, और कुछ इस तरीके का आपको जो कंप्लीट जो पोर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एक अच्छा डिजाइन जो है एलिमेंट यहाँ पे एड ऑन किया गया है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये आप 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी चेकआउट कर सकते हैं। फोन स्टोरेज के लिए आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो भी मिल जाता है, बाकी यहाँ पे भी स्पेस प्रोवाइड किया गया है। पार्किंग ब्रेक लीवर है सिल्वर फिनिश के साथ, यहाँ पे कप होल्डर्स और रियर का एसी वेंट वगैरह रियर में चलेंगे फिर उसकी बात करेंगे। बाकी ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी बड़े साइज का मिल जाता है। इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर जो है वो दिया गया है। इसी के साथ अपना को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें आपको एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल है वो ऑफर किया गया है, जिसमें आपको एक कोट हुक भी मिल जाएगा। कैबिन लैंप आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, जिसमें आपको हैलोजन बल्ब जो है वो ऑफर किया गया है। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। चेक करते हैं ग्लोव बॉक्स, तो कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको ग्लोव बॉक्स के अंदर कंपनी ऑफर कर देती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट जो है देखने को मिल जाता है, और स्कॉर्पियो की जो आपको मार्किंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली। सीट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है, कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट मिल जाती है, और काफी बड़े साइज की आपको सीट जो है वो यहाँ पे ऑफर करी गई है। और साइडों में आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको आर्मरेस्ट भी जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस सीट की हाइट को जो है वो आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। डिक्लाइन का जो ऑप्शन है आप इसको यूज कर सकते हो, और यहाँ से आप जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो सारे कुछ फीचर्स है जो कि इस कार के फ्रंट प्रोफाइल में आपको मिल जाते हैं। चाबी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके की आपको जो की है वो मिल जाती है, और दोनों ही आपको जो है वो कीज यहाँ पे मिलने वाली है, एक नॉर्मल टाइप की है और दूसरी जो है वो आपको रिमोट की जो है वो यहाँ पे ऑफर करी गई है, जिसमें आपको इस तरीके से फिली फंक्शन जो है यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड रो की, और यहाँ से क्या क्या फीचर्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो ये वाली जो गाड़ी है अपनी 7 सीटर के लेआउट में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो सेंटर में आपको जो कैप्टन सीट है वो ऑफर करी गई है, जिसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया है एडजस्टेबल टाइप का, और इस सीट को जो है वो आप यहाँ से रिक्लाइन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक और लीवर मिल जाता है, जिसको आप पुल करेंगे तो ये सीट जो है वो आगे की तरफ कुछ इस तरीके जो है वो अब भी हो जाती है। बाकी दोस्तों इसके अलावा अपने डोर पैनल्स की फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट की तरह ही यहाँ पे आपको जो है पियानो ब्लैक इंसर्ट जो है यहाँ पर भी दिया गया है, फैब्रिक फिनिश आपको मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल बटन है, इनसाइड डोर हैंडल अपना जो है मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिल जाता है, कुछ इतना स्पेस यहाँ पर है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो डोर पैनल कुछ इस तरीके का रहने वाला है। आगे वाले डोर पैनल में देखा तो वहां पे स्पीकर की प्लेसमेंट के लिए जगह थी, लेकिन रियर वाले जो डोर पैनल है उसके अंदर आपको स्पीकर की जगह जो है वो नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर के तौर पर रियर में आपको जो एसी वेंट है वो भी प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे कुछ इतना स्पेस भी आपको मिल जाता है। ऊपर कैबिन लैंप आपको मैं दिखा चुका हूं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हैंडल जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों साइडों में आपको ये हैंडल मिल जाते हैं, कोट हुक के साथ जो है ये दिए गए हैं। तो ये बात हो चुकी है अपना सेकंड रो की, और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इतना स्पेस जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने थर्ड रो में यहीं से जाना है तो आप यहीं से जो थर्ड रो के अंदर इजिली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देखें तो मैं आ चुका हूँ अब इस गाड़ी के थर्ड रो में, जहाँ पे आपको 3 सीटें जो है मिल जाती हैं, और बैठने से इतना मालूम पड़ रहा है कि ये जो अपनी तीसरी रो की सीट है वो अपनी आगे वाली दोनों सीटों से ज्यादा ऊंचाई पर है। तो आपको काफी अच्छा जो व्यू है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कंप्लीट जो व्यू है वो आप चेक कर सकते हो। बाकी क्या क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ पर भी आपने जो ग्रैब हैंडल्स है दोनों साइडों में ये दिए गए हैं, और इस विंडो को अगर आपको सफोकेशन वगैरह हो रही है तो आप इस विंडो को जो है वो ओपन भी कर सकते हो, कुछ इतना जो है वो ये ओपन हो जाती है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, दोनों साइडों में ये ओपन हो जाएंगी। बाकी सीट बेल्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाने वाली है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। और स्पेस की बात कर लेते हैं, तो स्पेस कुछ जो है इतना आपको यहाँ पे मिल जाता है।
ये आप यहाँ पे कम्प्लीटली देख लीजिए, थाई सपोर्ट थोड़ा कम है लेकिन लेग रूम आपको ठीक ठाक मिल जाता है, आराम से ट्रैवल आप कर पाओगे। दोनों ही सीट्स के पीछे आपको जो है यहाँ पर भी जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल टाइप के ही दिए गए हैं, और सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके का रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले इसका बोनट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बोनट ओपन करने के लिए हाइड्रोलिक स्टड्स जो है वो ऑफर किए गए हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर का आपको यहाँ पर MHOG CRDA इंजन जो है वो ऑफर किया गया है जो कि टर्बोचार्ज इंजन है। ये 97 किलोवाट की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं अगर प्राइसिंग की, दोस्तों इस कार का एक्स शोरूम कॉस्ट है 16,81,000 रुपीज़ का, और ये ऑनर कॉस्ट ऑलमोस्ट दिल्ली के अंदर 20,35,000 रुपीज़ तक जाती है। इसके अलावा इस कार के कलर ऑप्शंस और सेफ्टी फीचर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।